जय सियाराम, हरिओम। लड़कों के लिए कुछ कहने आया हूँ, ऐसे लड़कों के लिए जो अपने प्राइम टाइम में है, प्राइम एज में है, जिंदगी में आने वाले हैं, फैमिली क्रिएट करने वाले हैं। दरअसल एक समाचार मैंने सुन लिया कि एक लड़का बहुत तेज है पढ़ने में, वो थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में आ गया, ठीक। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कह दिया, या जिस लड़की के प्रति उसका आकर्षण था उसने कह दिया कि उसे तो डॉक्टर पसंद है, बहुत तेज हो तो डॉक्टर बन जाओ। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी, घर वाले पागल हो गए, इतना तेज, इतना इन्वेस्टमेंट, ये वो। उसने फिर मेडिकल कंपटीशन पास किया, मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, और फिर उसे पता चला कि वो लड़की कहीं और रिलेशनशिप में थी, आगे नहीं बताऊंगा, बहुत दर्दनाक कहानी है। मैं कुछ 14-15 बातें हैं मैं लिख के लाया हूं जो अनुभव से उपजी हैं, और मैं बताना चाहता हूं, आप सब सुन लीजिए बस, कैसे रिएक्ट करेंगे आप पे छोड़ता हूं। ऐसे लड़कों के लिए जो ज़िंदगी में आने वाले हैं, पहले थोड़ी सी ये बात कह दूं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार बनाने की, वो पुरुषों पे ही होती है, और वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को आप इंजॉय करते हैं, तभी उसमें खुद को झोंक देते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल प्लेस जो है फैमिली होती है, आपका क्रिएशन ऑफ द फैमिली होता है एंड लिविंग इनटू इट होता है। उससे पहले कि ड्रीम को मत देखिए, आप अपने कैरियर को देखिए। वो 14-15 बातें जो मैं कहूँगा उसको ध्यान से सुनिए। पहला है, नेवर गो बैक टू द वूमेन हु चीटेड यू। कब चीट करेगी, कैसे करेगी, ये आपका कॉन्शसनेस है। आप समझिए, उस स्त्री, उस लड़की के पास आप दोबारा किसी भी हालत में नहीं जाएंगे जिससे आपने महसूस भी कर लिया होगा कि आपको ठगा है, चीट किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, या कुछ भी किया होगा। एंड नेवर लेट ए वुमन डिसरेस्पेक्ट यू। किसी को इतनी इजाजत मत दीजिए कि वो आपका अपमान कर सके किसी भी रूप में, नेवर allow any woman to disrespect you। और सबसे बड़ी बात कि don't beg for a relationship। अरे, आपसे अच्छा, आपसे बेहतर, आपसे सुंदर, आपसे डायनामिक ज़्यादा, आपसे ज़्यादा लविंग, आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, आपसे ज़्यादा कीमती कौन हो सकता है। डोंट गो, नेवर बेग फॉर रिलेशनशिप, नहीं जाना आपको। और टेक 1-3 सेकेंड्स पॉज आफ्टर रिएक्टिंग ऑन ए क्वेश्चन, मतलब बिफोर रिएक्टिंग ऑन ए क्वेश्चन, और समवन आस्क्स अ क्वेश्चन, जस्ट टेक ए पॉज, 1-3, इट विल क्रिएट मिरेकल। आपकी आवाज़ों में जो ताकत होगी वो निकल के बाहर आएगी। बस रुक जाइए 2 मिनट 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, बहुत बड़ा समय होता है जब आपको सडन रिएक्शन की जरूरत होती है, और उस समय आप रुकते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि वर्कआउट एटलीस्ट 4 times a week। आपको बहुत तरीके से लोगों ने समझाया होगा कि वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ। मैं जो कहता हूँ वो सुनिए, वर्कआउट 4 times a day, बिकॉज यू लिव इन ए बॉडी, यू आर लिविंग इन ए बॉडी, यू हैव टू लिव इन दिस बॉडी। कहते हैं ना कि आत्मा अजर है, अमर है, सोल इज इमोर्टल, बट दैट इमोर्टल सोल इज लिविंग इन टू द बॉडी। तो ये जो बॉडी है, इज एवरीथिंग फॉर यू।
ये धरती पे रहना है और आकाश में जाके सर्वाइव करना है, समंदर के नीचे सर्वाइव कर जाना है या अंतरिक्ष, बट यू नीड ए बॉडी. तो दिस इज योर बॉडी, यू आर इन टू ए बॉडी, सो प्रोटेक्ट योर बॉडी एंड माइंड, देन यू आर प्योर सोल, परफेक्ट सोल, है ना. एंड इफ यू आर नॉट इन्वाइटेड डोंट गो. छोटी बात थी लेकिन इसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं, नहीं जाना है ना. नेवर थिंक कि ओ हो ही माइट फॉरगेट, और बहुत दिक्कतें होती हैं उसे, तो मेरे बहुत क्लोज कनेक्शंस हैं, वो कैसे मेरे को भूल सकता है, मैं तो पूछूंगा. नो, इफ़ यू आर नॉट इन्वाइटेड गो, डोंट गो. ऑलवेज कैरी कैश अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस. पैसे रखें अपने पास, आज को तो मोबाइल आ गया है ना, इतने पैसे हों कि आप पेटीएम कर सकें. ऑलवेज कैरी कैश अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस. जरूरी नहीं है कि और इतने पैसे नहीं रखूँगा तो मैं आदमी नहीं हूँ. इफ़ यू डोंट हैव, डोंट वरी, यू डोंट हैव कैश, यू नो फ्रॉम हेयर, सो यू विल नॉट गो टू द प्लेस वेयर योर पर्स नीड इट. And if somebody else is paying, you must not have the last piece of bite. नहीं, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिए. और आपको कपड़े अच्छे पहनने हैं. कैसे कपड़े अच्छे पहनने हैं? Don't worry, very simple. घर से बाहर कदम रखने से पहले you see into a mirror. If mirror allows you, you go out. और आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत परफेक्ट हैं, आपको ढंग से रहना है, तरीके से रहना है, कहीं भी किसी भी यूं कोई ओकेजन की जरूरत ही नहीं है. यू आर ए मैन ऑफ बेटर ड्रेसिंग. जो ड्रेस है, जो क्लोथिंग है आपका, वो आपकी पर्सनैलिटी है. साफ, सुंदर, अच्छा, रिलैक्सेबल, जैसे भी पहनना चाहें आप अच्छे लगने चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए. और आपको यह ना कहे कहाँ से आ रहे हो भैया, बहुत परेशान दिख रहे हो. नो, वेल ड्रेस बहुत जरूरी है. और एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि मेडिटेशन जरूर कीजिए, कोई अच्छा सा श्लोक याद कीजिए, गायत्री मंत्र अगर आता है तो सर्वोत्तम है, नहीं आता है तो ओम का जाप कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए. ये आपके बॉडी को, आपके सोल को, आपके माइंड को प्योर करता है. जो बेसिक बातें थी ये मैंने उन तमाम छोरों के लिए कही हैं जो बड़े हो रहे हैं, ज़िंदगी में आने वाले हैं. पिताजी आपके शायद ना कह पाए इतना खुल के, बड़ी बहन माँ ना कह पाए, क्योंकि इंजीनियर हो रहा है छोरा, डॉक्टर हो रहा है ना, आईटी इंडस्ट्रियल, मतलब वो अरे माय लाइफ माय चॉइस. नहीं नहीं, यू आर द बेस्ट पॉसिबल पर्सन अंडर द सन, इन योर फैमिली, इन द सोसाइटी, एंड द फॉर द नेशन एट लार्ज. आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. और कभी कभी जो कुछ मैं बोलता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा, मिल जाया करेगा, और हमें भी सुन लिया कीजिए. जय श्री राम, हरिओम.